और आज हम सब मिलके जा रहे हैं डांडिया नाइट में गरबा खेलने के लिए। हमारी कॉलोनी की कुछ फ्रेंड्स हैं और मैं हूँ और मजे करने जा रहे हैं। चलो आपको भी दिखाती हूँ डांडिया नाइट। कहाँ है माता जी? अंदर है तो निकाल उन्हें के। और अभी तक तैयार नहीं हुई है ये लोग और मैंने कहा था फटाफट तैयार हो जाना। वीडियो बनाओ फिर हमको दिखाना। ये आ रही है आंटी। चलो हमारी वीडियो में राम राम। चलो चलते हैं डांडिया नाइट में गरबा खेलने के लिए। खड़े सबको देखने के लिए। और हम आ गए हैं डांडिया नाइट के ग्राउंड में। अभी हमारी एंट्री होने लगी है और बेहद खूबसूरत सजा हुआ है। सोनी माँ तैयार हो डांडिया खेलने के लिए? चले नहीं मेरे को तो मुझे तो सोनिया ने लेकर सजावट है और सब लोग बेहद खूबसूरत बन के आए हैं। सब ने लहंगे पहने हैं, ज्वेलरी पहनी है और वो काली वाली बिंदी भी लगाई है। इसने लगाई है अन्नू ने। मैं पता है खुद फर्स्ट टाइम ये डांडिया नाइट में गई थी गरबा खेलने के लिए। मैं कभी भी नहीं गई थी क्योंकि फुर्सत ही नहीं होती थी। बच्चों के स्कूल थे, इनकी ड्यूटी थी, घर के देखभाल करनी होती थी तो नहीं जाती थी। ये कुछ सालों से ना मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा और कुछ घर से बाहर भी निकलना शुरू करा और अपनी खुशी के लिए अब मैं सब कुछ करती हूँ। प्यारी लग रही है शिखा, बहुत सुंदर। मन तो बहुत है कि गाने के साथ आपको ये सब कुछ दिखाऊं लेकिन नहीं दिखा सकती, वो डर लगा रहता है कॉपीराइट का। मगर यहाँ डांस करने में बहुत मजा आ रहा था और यहाँ आके ना बेहद अच्छा लग रहा था। वाव, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सजा हुआ था। और जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई है ना, वो भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आई थी और हम दोनों ने ना यहाँ आके यही सोचा कि हम पहले क्यों नहीं आ गए यहाँ पे, हमने पहले यहाँ आके इंजॉय क्यों नहीं करा, अपने इतने साल हमने क्यों ख़राब कर दिए, हमें हर साल यहाँ आना चाहिए था और इंजॉय करना चाहिए था। और बस यहाँ पे गरबा शुरू हो चुका है, गरबा भी और एक डीजे नाइट भी। वहाँ सबसे ऊपर ना वहाँ स्टेज लगा हुआ है और वो डीजे वाले भैया गाना बजा रहे हैं। बहुत मज़ा आया, हमने खूब डांस किया, बहुत डांस किया। इतना डांस मैं बता रही हूँ मैंने कभी नहीं करा, किसी शादी में नहीं करा। हम लोग शादी वगैरह में अक्सर डांस करते हैं लेकिन आज हमने फर्स्ट टाइम ये सब सहेलियों ने मिल के यहाँ डांस किया है, खुल के नाचे हैं हम लोग। और मैं कह रही हूँ हमारे 3 घंटे कहाँ चले गए हमको पता भी नहीं चला। 11 बज गए तब हमें याद आई, अरे बहुत टाइम हो गया, चलो घर चलते हैं, वरना यहाँ से जाने का अभी भी हमारा मन बिल्कुल भी नहीं था। हम डांस रोक ही नहीं पा रहे थे, पसीने इतने आ रहे थे हमको, गर्मी लग गई थी, बाल खोल के स्टाइल बना बना के हम लोग गए थे। लेकिन जब थोड़ा सा डांस किया इतनी गर्मी लगी और सबके बाल बंद गए, लेकिन नाचना किसी ने भी नहीं छोड़ा। और यहाँ ज़्यादा म्यूज़िक आपको अगर सुनाया ना तो कॉपीराइट आ जाएगा। और अगर म्यूज़िक के बिना आप ये सोच ही नहीं सकते कि हम वहाँ कितना आनंद ले रहे थे। मैं कहती हूँ अगर हम अकेले नाचते हैं ना तो इतना मज़ा नहीं आता। यहाँ पे पूरा ग्राउंड नाच रहा था, इंजॉय कर रहा था
और किसी को कोई झिझक नहीं थी नाचने में, जिसको जैसा आ रहा था वो वैसा नाच रहा था। और बस नाचते गाते हम लोग बाहर की तरफ निकल लिए हैं, क्योंकि बाहर गाड़ी आ चुकी है हम लोगों को लेने के लिए। बस अपने और फ्रेंड को बोल रहे हैं कि बस घर चलो, नाचना यहाँ पे बंद करो। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, खूब डांस किया, अभी भी डांस हो रहा है, लेकिन अब 11:30 बज गए हैं और घर जाऊंगी और सब लोग तैयार है घर जाने के लिए। चले और जाते जाते ना हमको ये डॉल सी पुतला सा दिखा, हमने कहा अरे ये तो हमने किया ही नहीं, और चलो मैं ये करके आती हूँ। और मैंने इसमें गर्दन लगाई, पीछे से मैं तो सब दिख ही रही थी, कोई मतलब नहीं हुआ, मुंह भी मेरा रोशनी में ना अजीब सा ही आया। और मैंने किया और मेरी सब फ्रेंड्स ने भी इसमें गर्दन लगा के ना यही अपने आप की फ़ोटो खींची और हमने बचपना इसमें दोबारा देख लिया। और जब घर पहुंची हूं तो लगभग 12 बजने वाले थे, और 12 बजे के बाद हर्षित के पापा का बर्थडे लगभग चालू होने वाला है, तो इसलिए हमने पहले से इंतजाम किया हुआ था, केक लाए थे, चश्मा लाए थे और हर्षित के पापा का बर्थडे मनाया। ऐसे ही आता है, ये छोटा नहीं होता, ऐसे ही होता है क्योंकि वो ऐसा है। और कृति ने ना ये सब इंतजाम किए हुए थे, हर्षित के पापा जबकि कह रहे थे मैं कोई बच्चा हूँ, तुम लोग ये सब मेरे साथ कर रहे हो, लेकिन कृति को और मुझको भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करना। और हर्षित को भी फिर हमने वीडियो कॉल करी और उसका मोबाइल सामने लगा दिया है, और वो भी पापा के बर्थडे में शामिल हो गया है। और फिर चलो मनाते हैं अब हर्षित के पापा का बर्थडे। तो रात के 12 बजे हम लोगों ने हर्षित के पापा का बर्थडे मनाया है, और बस यहीं पे फाइनल अपना व्लॉग एंड करती हूँ। और लास्ट में हम लोगों ने खूब डांस किया, हर्षित के पापा को भी नचाया हमने।